प्रेज द लॉर्ड, आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हमारे जीवन में जोड़ दिया, हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। मैं आपका दोस्त पास्टर राज मैसी, और आज का जो संदेश है वो 2023 जो नया साल परमेश्वर ने हमको दिया उसकी बड़ी भविष्यवाणी के विषय में है। एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी है, वो क्या है, क्या होने वाला है, वो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो बने रहिएगा मेरे साथ और पूरा वीडियो देखिए और इसे शेयर भी कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और नया वीडियो बिना व्यवधान के आपके पास पहुंच जाए। मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि यीशु का दूसरा आगमन कब होगा। प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन कब है, वो डेट क्या है, वर्ष क्या है, साल कौन सा होगा। अगर आप जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, अगर नहीं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए और सही सवाल का उत्तर जान लीजिए। प्रेज द लॉर्ड। एक छोटी सी प्रार्थना करके आज के वचन को मैं शुरू करूंगा। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए जो तूने दी है। प्रभु आज के वचन को शेयर करने प्रभु मेरी मदद सहायता कर, मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गुण भेद की बात इसमें छिपी है वो हम पे प्रकट करना। परमपिता परमेश्वर, जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हरेक को आशीषित कर, हरेक की रोग बीमारी को, चिंता को, परेशानी को अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर दे। हरेक घर से प्रभु जी लड़ाई झगड़े, तफरके, मनमुटाव, दूरियां, तलाक और प्रभु जी बेरोजगारी, बांझपन, नशा और प्रभु जी व्यर्थ की बातें, असाध्य रोग अपने बच्चों के घरों से दूर कर दे। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के इस अद्भुत संदेश को मैं शुरू करूंगा, और ये संदेश जो है आज का ये है भविष्यवाणी के पर, के 2023 की बड़ी भविष्यवाणी। क्योंकि हम ज्यों ज्यों वर्ष बीतते चले जा रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह का आगमन और नज़दीक आता चला जा रहा है। दिन, महीने, साल गुजर रहे हैं और यीशु मसीह और नज़दीक आते जा रहे हैं, उनका आगमन बहुत नज़दीक आता चला जा रहा है। तो आज का जो संदेश है वो एक बड़ी भविष्यवाणी है जो प्रेरितों के काम की पुस्तक में दी गई है, वो आज हम देखेंगे। 2023, याद रखिए वर्ष 2023 शुरू हो चुका है, आज उसका छठा दिन है, और इसी 2023 वर्ष के आरंभ में परमेश्वर ने कुछ बताया है जो मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। तो आइए हम देखेंगे वो भविष्यवाणी क्या है, और फिर उसके बाद मैं कुछ बातें खोलकर आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम देखेंगे 2023 से मिलता जुलता एक गिनती है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। प्रेरितों के काम की पुस्तक उसका 20 अध्याय और उसका 23 पद, 20 अध्याय और उसका 23 पद, यानी कि 2023 प्रेरितों के काम की पुस्तक उसका 20 अध्याय 23 पद, देखिए क्या लिखा है। यहाँ लिखा है, केवल यह कि पवित्र आत्मा हर नगर में गवाही दे देकर मुझसे कहता है कि बंधन और क्लेश तेरे लिए तैयार है। 2023 में बंधन और क्लेश हम मसीहों के लिए तैयार है, हमें इसके लिए सजग, सतर्क, सावधान हो जाना चाहिए। ये बहुत बड़ी भविष्यवाणी है मसीहों के लिए, क्योंकि अब वो समय आ पहुँचा है कि हमारे साथ दुर्व्यवहार किया जाए। अभी कुछ दिनों पहले छत्तीसगढ़ में एक चर्च में घुसकर लोगों ने वहाँ पर तोड़फोड़ की, मारपिटाई की, ये शुरुआत है। तो आने वाले दिनों में हम बड़े क्लेश से गुजरने वाले हैं, तो हमें अब क्या करना है, अपने आप को उस क्लेश के लिए तैयार हो जाना है, क्योंकि अब जो समय है वो अंतिम समय है, और इस अंतिम समय में हमें क्या करना है। यहाँ पर मैं आपको पहले ये पढ़कर बता देता हूँ, 20 अध्याय के 23 पद में, 20-23 यानी कि 2023 उससे मिलता जुलता ये वर्ड है, ये शब्द है, ये गिनती है, और इसी में से ये भविष्यवाणी निकल कर आई है कि केवल यह है कि पवित्र आत्मा हर नगर में गवाही दे देकर मुझसे कहता है कि बंधन और क्लेश तेरे लिए तैयार है। अब जो भी इस वचन को पढ़ रहा है उसके लिए ये वचन है कि बंधन और क्लेश मेरे लिए तैयार है। अपने हाथों को उठाकर कहिए, प्रभु तेरा धन्यवाद कि ये बंधन और क्लेश मेरे लिए तैयार है, क्योंकि वचन कहता है कि जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। प्रेज द लॉर्ड। तो ये बड़ी भविष्यवाणी है, लेकिन इसको आगे चलकर थोड़ा सा मैं समझाना चाहता हूँ।
हम देखेंगे पहला दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय का 17 पद, देखिए क्या लिखा है। यहाँ लिखा है क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। ये जो क्लेश हमारे लिए आ रहे हैं ये हमारी महिमा के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए बहुत ज़रूरी है। भविष्यवाणी बड़ी है कि क्लेश के दिन शुरू हो चुके हैं और ये बहुत दिनों तक चलेंगे। अब हम पर संकट क्लेश आने का समय पहुँच गया है, क्योंकि बाइबल इस संदर्भ में हमें बहुत कुछ बताती है। आइए क्या बताती है, आइए देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय और उसका 21 पद। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ लिखा है यीशु मसीह कहते हैं क्योंकि उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा जैसा जगत के आरंभ से ना अब तक हुआ और ना कभी होगा। वो क्लेश हम भुगतने वाले हैं। वो समय आ पहुंचा है कि अब प्रभु यीशु मसीह का आगमन है, लेकिन उससे पहले ये क्लेश हमें भोगने बहुत जरूरी है। ये क्लेश हमारे लिए रखे गए हैं, जैसे कि हमने प्रेरित काम 20 अध्याय के 23 पद में पढ़ा है कि तुम्हें क्लेश और बंधन को भुगतना पड़ेगा। तो ये अंत समय की बड़ी भविष्यवाणी है और इस बात को आप जान लीजिए कि इस क्लेश से हमको गुजरना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। लोग हमें मारेंगे, पीटेंगे, हमें गालियां देंगे, हमें मार भी डालेंगे, बाइबल जलाई जाएंगी, चर्च तोड़े जाएंगे। ये संकट का समय, ये क्लेश का समय हम पर आने वाला है। तो अब हमें करना क्या है, आइए देखेंगे प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय और उसका 10 पद। यह लिखा है जो दुख तुझे झेलने होंगे उनसे मत डरना। पहली बात क्या है, दुख तो झेलने ही है, जो क्लेश है वो तो हमें झेलना ही है। और फिर आगे बताया गया है कि उनसे मत डरना, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कितनों को जेल खाने में डालने पर है ताकि तुम परखे जाओ और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना पड़ेगा। ये क्लेश हमें उठाना पड़ेगा, शैतान हमें बंदी गृह में डालेगा, हमें हाकिमों के सामने खड़ा करेगा, हमें झूठे केस में फंसाया जाएगा। इस तरह के और भी कानून बन सकते हैं जो हमें क्लेश में घेर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि शैतान तुम में से कितनों को जेल खाने में डालने पर है ताकि तुम परखे जाओ और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना पड़ेगा। और आखिर में लिखा है प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। ये क्लेश जब हम सह लेंगे और इनसे जब बाहर निकलेंगे तब हमें परमेश्वर जीवन का मुकुट देगा, जिसे कहा जाता है कि वो अनंत जीवन का मुकुट होगा, ताकि हम प्रभु के साथ सर्वदा बने रहें। ये गिफ्ट है प्रभु की तरफ से, क्लेश में जो स्थिर रहते हैं, क्लेश में जो बने रहते हैं, क्लेश में जो हयाव नहीं छोड़ते, क्लेश में जो अडिग खड़े रहते हैं, जो बैकस्लाइड नहीं होते, जो वापस नहीं चले जाते, उनके लिए ये गिफ्ट है। वो उनको क्या मिलेगा, जीवन का मुकुट मिलेगा। और देखिए प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय 13 और 14 पद, यहां लिखा है इस पर प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा ये श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन है और कहां से आए हैं। तब मैंने उससे कहा हे स्वामी तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा ये वे लोग हैं जो उस बड़े क्लेश में से निकलकर आए हैं, इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू से धोकर श्वेत किए हैं। बड़े क्लेश से निकलकर जब हम जाएंगे तब हमें स्वर्ग में स्थान मिलेगा, हमें श्वेत वस्त्र दिया जाएगा, क्योंकि हमने प्रभु यीशु मसीह के लहू से अपने आप को धो डाला है, क्लेश में शामिल हो गए हैं। क्लेश से भागे नहीं हम, पीछे नहीं भागे, हमने यीशु का इनकार नहीं किया, हम बैकस्लाइड नहीं हो गए, हम वहीं के वहीं खड़े हैं। कोई आए अगर हमसे पूछे, हम आज भी कहेंगे कि हाँ मैं प्रभु यीशु मसीह का अनुयायी हूँ, उसको छोड़ मैं किसी को भी अपना ईश्वर या परमेश्वर नहीं मान सकता। तो ये बड़ी भविष्यवाणी है प्रेरित के काम उसका 20 अध्याय और उसका 23 पद, मैं फिर से पढ़ देता हूँ, उसके बाद मैं समाप्त करूँगा। यहाँ लिखा है कि केवल ये कि पवित्र आत्मा हर नगर में गवाही दे देकर मुझसे कहता है कि बंधन और क्लेश तेरे लिए तैयार हैं। 2023 में याद रखिए, सजग हो जाइए, सतर्क हो जाइए, आने वाले दिनों में बहुत से क्लेश, बहुत सी परेशानियों से हमें गुजरना पड़ेगा, परीक्षाओं से गुजरना पड़ेगा, लेकिन हमें स्थिर रहना है, अडिग रहना है, ताकि हम क्लेश में स्थिर रहकर उस स्थान को पाएं जो परमेश्वर हमें देना चाहता है। अंत में मैं एक वचन पढ़ के समाप्त करूंगा, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय और उसका 33 पद। यहाँ प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो,
मैंने संसार को जीत लिया है। प्रभु यीशु मसीह ने संसार को जीत लिया है। संसार में हमें क्लेश होता है, आने वाले दिनों में तैयार रहिए, क्लेश आने वाले हैं, परीक्षाएं आने वाली हैं, दुख आने वाले हैं और रंजिशें होंगी, छल कपट होगा, बहुत कुछ होगा, लेकिन हमें अड़िग खड़े रहना है। जैसे आंधी हो तूफान हो, एक पेड़ खड़ा रहता है और वो सब कुछ झेल कर स्थिर खड़ा रहता है, वैसे ही हमें भी इस क्लेश की और बंधन की आंधी में खड़े रहना है, ताकि हम प्रभु यीशु मसीह के सामने खड़े होकर कह सकें कि प्रभु कुछ भी हो गया, क्लेश सहा मैंने, गालियां सुनी, थप्पड़ खाए, मुझे मार डाला गया, लेकिन फिर भी मैंने तेरा इनकार नहीं किया। आज भी मैं तेरा हूँ, तब भी मैं तेरा था। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा और इस वचन को शेयर कीजिए, ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। प्रेज द लॉर्ड। रूपल्स में आज का सवाल है कि यीशु मसीह का दूसरा आगमन कब होगा। अगर जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, अगर नहीं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए और जान लीजिए इस सवाल का जवाब। मेरे साथ मेरी मुहिम में शामिल हो जाइए, जिद है सच को फैलाने की। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और अंतिम दिनों के लिए क्लेश भुगतने के लिए तैयार रहिए। प्रेज द लॉर्ड।